उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया है, लेकिन बीजेपी में दूसरे दल के नेताओं के शामिल होने का सिलसिला अभी तक थमा नहीं है। कांग्रेस के उधम सिंह नगर से जिला पंचायत अध्यक्ष वेणु गंगवाल और उनके पति सुरेश गंगवाल ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रदेश पार्टी कार्यालय में बीजेपी का पट्टा पहनाकर उन्हें पार्टी में शामिल किया। इस अवसर पर कांग्रेस से 2022 में लैंसडाउन विधानसभा से चुनाव लड़ चुकी अनुकृति गोसाई ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। उनको भी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बीजेपी का पट्टा पहनाकर पार्टी में शामिल किया। इस अवसर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि अभी बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वहीं भाजपा में शामिल होने पर अनुकृति गोसाई ने कहा कि वो मोदी जी के कामों से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुई है और उनका प्रयास है कि उनके नेतृत्व में उत्तराखंड आत्मनिर्भर राज्य बनेगा। वहीं सुरेश गंगवार ने कहा कि वो मोदी जी के नीतियों से प्रभावित होकर बीजेपी में आए हैं। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। उस नारे को अभी पंचायत चुनाव और गति मिलेगी, नगर पालिक चुनाव और गति मिलेगी और सब लोग भारतीय जनता पार्टी के अपना सहयोग देंगे। अनुकृति जी का कल ही मुझे प्रस्ताव प्राप्त हुआ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का। मैंने भी अपने संबंधित नेतृत्व से बातचीत करने के बाद और फिर मैंने अपनी सहमति दी है। हमारे गंगवार जी, आपने क्योंकि कांग्रेस पहले छोड़ दी थी, लेकिन आपने भी दो दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की इच्छा व्यक्त की है। आपको मैंने दल में आपकी एंट्री हुई है क्योंकि हमारे यहाँ ज्वाइनिंग की एक पद्धति है, टीम है। उस टीम के डिस्कशन के बाद अनुराग ठाकुर जी जो हमारे उत्तराखंड की ज्वाइनिंग की तो देखते हैं, वहाँ से अनुमति देने के बाद ही हम ज्वाइनिंग करा रहे हैं। अभी बहुत से प्रस्ताव हैं, धीरे धीरे वो सब आप तक हम पहुँचाएंगे, ऐसे लोग भी ज्वाइनिंग करेंगे कार्यक्रम के माध्यम से। देखिए, मुझे बहुत खुशी है आज की जो हमारा नेतृत्व है उसने मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाया है। भारतीय जनता पार्टी को मैंने ज्वाइन किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कामों से प्रभावित होकर जिस तरीके से एक सपना उन्होंने विकसित उत्तराखंड का देखा है, वोकल फॉर लोकल को जिस तरीके से वो पूरे उत्तराखंड में पूरे देश के अंदर प्रमोट कर रहे हैं, आत्मनिर्भर उत्तराखंड, आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करते हैं, ये सभी चीजें मुझे प्रभावित करती है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक है, मैं उम्मीद करती हूं कि उत्तराखंड के केंद्र बिंदुओं को वो देखते हुए समझते हुए उत्तराखंड को विकसित बनाने का काम करेंगे और हम सभी लोग उनके इस महायज्ञ में अपना योगदान देंगे। और मैं आदरणीय मोदी जी की नीतियों से, आदरणीय अमित शाह जी की नीतियों से, आदरणीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी नीतियों से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियों से और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की नीतियों से, सबकी नीतियों से खुश होकर और खासकर भारतीय जनता पार्टी की जो इस तरह की जो विचारधारा, जो कार्यशैली है, उसको खुश होकर हम लोगों ने अपने परिवार में पुनः वापसी की है।